यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। आज की प्रदेश की देश की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आपको बता दूं कि हरियाणा के पंचकुला के मोरनी में एक 22 साल की युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है और ये मामला और भी ज्यादा गंभीर इसलिए है कि 22 साल की इस लड़की के साथ 40 लोगों ने गैंग रेप किया है। आपको बता दें कि गांव कैंपवाला के एक गेस्ट हाउस में 4 दिनों तक बंधक बनाकर इस युवती के साथ 40 लोगों ने हैवानियत की हदें पार की हैं। आपको बता दें कि 22 साल की शादीशुदा युवती है जिसके साथ 40 लोगों ने गैंग रेप की इस वारदात को अंजाम दिया है। पैमनावा गांव के गेस्ट हाउस में 40 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं और ये मामला तब खुला जब युवती खुद किसी तरह से उनके चंगुल से बाहर निकली और पुलिस में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब युवती के पति भी उसके साथ आ खड़ा हुआ है, शिकायत कर रहा है कि युवती के साथ ये तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में बहुत सारे पहलू हैं जो कई बड़े सवाल उठाते हैं। पति को क्या जानकारी नहीं थी कि 4 दिन से उसकी पत्नी कहां पर है? बहरहाल ये एक बहुत बड़ा और संगीन मामला हरियाणा के पंचकुला से सामने आया है। पंचकुला के मोरनी में 22 साल की एक शादीशुदा युवती के साथ 4 दिनों तक बंधक बनाकर करीब 40 लोगों ने गैंग रेप किया है। इस देश की संस्कृति को एक बार फिर से तार तार किया गया है। देश की बेटी की आबरू के साथ, देश की बेटी की अस्मत के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ हुआ है और एक बार फिर से बेटियों की इज्जत से खेलना इस देश की खबरों की सुर्खियां बन गई हैं। पंचकुला के मोरनी का ये मामला है जहां एक गेस्ट हाउस में इस युवती को बंधक बनाकर रखा गया और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी की तलाश अभी जारी है। गेस्ट हाउस के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और पुलिस ने मामला खुद पीड़ित युवती की तहरीर पर दर्ज किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक की स्क्रीन पर। आपको बता दें कि पीड़ित युवती महज 22 साल की है, शादीशुदा है हालांकि, लेकिन 4 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ 40 लोगों ने गैंग रेप किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने अभी तक। एक गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर रखा गया था इस युवती को। अभी तक की खबरों के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर इस युवती को वहां ले जाया गया था। महिला थाने में गया तो बोले तुम्हारी देखिए 2 आरोपी इनकी तरफ के साथ मिला, खुद भी मिला और अपनी मेरे साथ रेप हुआ है। कितने लोगों ने किया, किस तरह किया? और सनी नाम का बंदा है और मोरनी उसका होटल का नाम है, गेस्ट हाउस उसका लवली रिसोर्ट। क्या क्या घर आपको लेकर गए? कितने दिन आपको रखा? कितने लोगों ने वहाँ पे गैंग रेप किया? यहाँ से मेरे को ले गया था, मैं झाड़ू पोछा लगाने के लिए गया था, जॉब करने के लिए। यहाँ से मेरे को ले गया कि वहाँ सब कुछ सबके साथ मिला, खुद भी मिला और अपनी नौकर से भी मिला, रेप किया। कितने लोग थे जिन्होंने रेप किया? किस तरह से आपको दवाइयाँ भी दी, नशे ली? खाने में नशे मिला के तब मेरे को पता नहीं चल रहा था। और इस बहुत बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मोर खुद उस जगह से मोरनी से जुड़े हुए हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मोरनी से का रुख हम करेंगे, अनिल मोर से तमाम जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि प्रदेश से एक बड़ी वारदात सामने आई है। 22 साल की एक शादीशुदा युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। लवली गेस्ट हाउस पैमनावा गांव में गेस्ट हाउस लवली गेस्ट हाउस के नाम से है जहां पर 4 दिनों तक इस युवती को बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ 40 लोगों ने गैंग रेप किया है। ऐसी खबरें अभी तक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। युवती वहां से किसी तरह खुद निकली है, फिर उसने पुलिस को तमाम घटना के बारे में बताया है। हमारे सहयोगी अनिल मोर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर मोरनी से, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। अनिल, बड़ा ही संगीन बड़ा मामला सामने आया है। एक शादीशुदा 22 साल की युवती ने शिकायत की है पुलिस में कि 40 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है, 4 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया है। आप वारदात की जगह पर मौजूद हैं अनिल, पूरा मामला जरा तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं और कितनी गंभीरता से लेने की जरूरत है इस तरह के मामलों को। देखिए मुमताज, मैं आपको बताना चाहूंगा
देखिए इस वक्त मैं मनी माजरा थाने के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मनी माजरा थाना है और बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना, एक महिला के साथ चार दिन तक लगातार 40 लोगों ने गैंगरेप किया। पूरा का पूरा मामला मोरनी का है। मोर्निंग में एक होटल में वो महिला काम करने गई थी, लगातार चार दिन तक बंधक बनाया, फिर वहाँ पर 40 लोग गैंगरेप करते हैं। मेरे साथ इस वक्त उस महिला के पति मौजूद है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव वो इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं और पीड़ित है ये। मैं इनसे पूरा मामला जानना चाहूँगा कि पूरा मामला क्या हुआ। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहता हूँ, जो गैंगरेप हुआ आपकी पत्नी के साथ, वो पूरा मामला किस तरह से हुआ? जी, हमारे से बोला गया कि जो बंदे सनी नाम का है, उसने बोला कि तुम्हारे घरवाली को मैं नौकरी दिला दो। तो मैं बोला ठीक है, कौन सा क्या काम है बताओ हमें। तो उन्होंने बोला कि हमारा रेस्टोरेंट है, फार्म हाउस है, वहाँ पे हमारे वहाँ बर्तन उर्तन का काम है, झाड़ू पोछा का काम है, वो करना है। मैं बोला ठीक है, क्या क्या दोगे, कितना तनख्वाह दोगे महीने का? उन्होंने बोला 12,000 तनख्वाह दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, रात भर मुझे सोचने दो, सुबह आपको फ़ोन करूँगा। तो मेरी घरवाली को पूछा तो मैं बोला, उसने बोला कि हाँ चलो चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मैं बोला नहीं, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत होगा तो तुम आ जाना। तो उन्होंने ले गया, मेरे को बुलाया कि तुम रामगढ़ आ जाओ, रामगढ़ वहाँ छोड़ दिया मैंने उसे कार पे। उसने कार से आया था, कार पे छोड़ दिया, उसने कार से ले गया अपना फार्म हाउस। वहाँ जाके पता चला कि मेरे घरवाली जब आया ना, तो उन्होंने बोला कि वो फार्म हाउस नहीं है, होटल सिस्टम है। तो वहाँ जाके उन्होंने इसका मोबाइल छीन लिया, कभी गाली दिया, कभी मारता था, डरा धमका करके उसके साथ लगातार 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक उसके साथ लगातार रेप करता रहा। 15 से लेके 18 तक लगातार रेप किया, कुल कितने लोगों ने रेप किया होगा? बदल बदल के, किसी दिन 10 बंदे, किसी दिन 12 बंदे, किसी दिन 15 बंदे, किसी दिन 8 बंदे, ऐसे करके अलग अलग बंदे। जब पहली रात आपकी पत्नी वापस नहीं आई, आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की? संपर्क करने की कोशिश की, मगर मोबाइल छीन लिया था उसने, फ़ोन बंद कर दिया था उसने। और सन्नी से पूछा कि भाई मेरा घरवाली का मोबाइल बंद क्यों है? बोला कि नहीं, मैं रात को सबसे मोबाइल छीन लेता हूँ। उन लोगों के चुंगल से कैसे निकले फिर आपकी पत्नी? मैंने बोला 18 तारीख को दोपहर में कि भाई मेरे घरवाली का फ़ोन नहीं लग रहा है, तो उसको भेज दे, या क्या बात है बताओ, उसको भेज घर मेरे। बोला कि चलो ठीक है, भेज देता हूँ। तो फिर नहीं भेजा, फिर 4-5 बजे तक मैं लगातार फ़ोन करता रहा, नहीं उठाया उन्होंने फ़ोन। फिर उसको मैंने बोला कि भाई भेज दे, यानी तो मैं थाने में कंप्लेन दूंगा। फिर उसको उसने बस पे बिठाया, बस पे बिठाने के बाद मेरे घरवाली बोल रहे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा काम किया लोगों ने गलत। सीधा चंडीगढ़ पुलिस में आया आपने, पंचकुला पुलिस जाने की कोशिश? नहीं, पहले मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया पंचकुला, मैं उस टाइम पंचकुला ही था। तो पंचकुला 100 नंबर पे फ़ोन किया, 100 नंबर वाले ने बोला कि एक काम करो, ये महिला थाने का केस है, महिला थाने पहुँच जाओ, तुम्हें बस स्टैंड के पीछे मिलेंगे 5 सेक्टर में। तो हम वहाँ गए, वहाँ कंप्लेन देने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी घरवाली आएंगे ना, तब तुम कंप्लेन देना, उससे पहले मत आना। देखिए ममता जी, सच्चाई है हरियाणा में 100 नंबर के, और जो महिला थाने जिनको लेकर सरकार दावे करती है, उन दावों की कितनी सच्चाई है? महिला थाने कितने हरियाणा में कारगर है, वो मैं दोबारा इनसे सवाल पूछता हूँ। दोबारा सुनिए, हरियाणा में जो महिला थाने उनकी क्या सच्चाई है, आप दोबारा बता दीजिए। जब आपने 100 नंबर पे कॉल किया महिला थाने में, से क्या रिस्पॉन्स आपको वहाँ से मिला? 100 नंबर पीसीआर से क्या रिस्पॉन्स? 100 नंबर पे फोन किया तो 100 नंबर वाले ने ऐसा ऐसा बताया। तो 100 नंबर वाले जब महिला थाना गया तो तुम्हारी घरवाली को लेके आना। तो जब हमारी घरवाली बस स्टैंड पे उतरा पंचकुला 5 सेक्टर में, तो मेरे को फ़ोन किया कहाँ पे हो, मैं कहा यहीं हूँ गेट के पास हूँ। तो उन्होंने मेरे से मिला, मेरे को बोला कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, चक्कर सा आ रहा है मेरे को, बहुत दिल घबरा रहा है। तो मैं बोला चलो पहले हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको, सबसे पहले उसको बचाना ज़रूरी है। तो मैं ले गया 6 हॉस्पिटल पंचकुला। तो वहाँ जाके पूछ रहा हूँ तो बोला कि वहाँ जाओ ऊपर जाओ। तो कोई पूछ रहा है कि क्या काम है, मैं बोला ऐसा ऐसा बात है, इनके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, रेप हुआ है। बोले पहले 100 नंबर को फ़ोन करो, ये पुलिस का काम है। फिर 100 नंबर पे फ़ोन किया, उन्होंने बोला ठीक है आ रहा हूँ, मगर वहाँ हमारे पास 100 नंबर वाले पहुँचे नहीं। फिर वो महिला थाना हम गए दौड़ करके, जहाँ 5 सेक्टर का महिला थाना है, वहाँ गए, वहाँ से महिला थाने वाले को पूछे कि हाँ जी हमारी घरवाली तो वहाँ पे है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि पुलिस को ले जाओ, तो हम आपके पास आए कंप्लेन देने। तो कंप्लेन दे दिए हमने, तो कंप्लेन लिया नहीं, वो मेरे साथ आया यहाँ पे हॉस्पिटल में, वहाँ देख उख करके मेरी घरवाली को पूछा। उसके बाद पूछने के बाद बोल रहा है कि हमारे को फोटो स्टेट दे दो, कंप्लेन लेके मनी माजरा थाने जाओ, हमारा केस नहीं है। चार पाँच घंटा बर्बाद कर दिया। फिर आप यहाँ पे थाने में आए, तो यहाँ पुलिस, जैसे ही मनी माजरा थाना आए, तो हमने थाने में घुसने के साथ बोल रहे कि जाओ SHO के पास जाओ। तो SHO साहब जैसे ही सुना तैसे ही, मतलब इन्होंने इसको पहले मेडिकल करवाया, उसके बाद इन्होंने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया मनी माजरा थाने का SHO।
ठीक है, आरोप ये भी है कि जो 40 लोगों ने गैंगरेप किया, लगातार 4 दिन तक गैंगरेप किया, उसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे, ऐसे आरोप आपकी पत्नी ने लगाए हैं? हाँ, 3 पुलिस वाले थे, उसमें से 2 पुलिस वाले ने उसके साथ रेप किया था, और उसने, एक पुलिस वाले कह रहा था कि यहाँ से जल्दी भाग जा, नहीं तो फिर अंदर कर दूंगा मैं। देखिए, एक बड़े आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जो बलात्कार गैंगरेप किया गया उस इनकी पत्नी से, वहाँ पे पुलिस वाले भी शामिल थे, ये आरोप लगाया गया है शिकायत में, ये भी कहा गया है। और पंचकूला पुलिस का क्या रवैया था, जो महिला पुलिस के जो दावों की सच्चाई की जाती है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, सिस्टम की पता कि वो पुलिस वाला था या कौन था, मगर सन्नी ने जैसा उसको बताया कि ये पुलिस वाला मेरा दोस्त है, तभी उन्होंने पता लगा कि ये पुलिस वाले हैं, जब उन्होंने बताया। अनिल, जाहिर है, जाहिर है, अनिल, अनिल नहीं कि आपकी महिला पुलिस, अनिल हम इनसे ये जानना चाहते हैं, अनिल, सिस्टम की खामियां तो अनिल सामने नजर आ ही रही हैं, इनसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ इन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया, जहां ये उन्हें ड्रॉप करके आए, जहां से वो उनके साथ अकेली गई हैं, क्या इनके जो पीड़िता के पति हैं वो बहुत खास थे, बहुत नजदीकी थे, इनके दोस्त थे, इनके रिश्तेदार थे, अकेले क्यों जाने दिया? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने यही कहा है कि इनकी वो जिन जो होटल मालिक थे उनसे इनकी जान पहचान थी, यही सवाल मैं दोबारा पूछना आपसे चाहूँगा। आपने कहा कि होटल मालिक से आपकी जान पहचान थी, वहाँ पर आपने अपनी फिर आपने इतना विश्वास कैसे उनके ऊपर कर लिया कि आपने पत्नी को भेज दिया, फिर 3 दिन तक पत्नी वापस नहीं आई, 4th दिन फिर पुलिस को पता लगता है? नहीं, हमने हमें बोला था कि हमारा फैमिली है वहाँ पे, परिवार है, तो हम सोचे कि चलो हम अपना अपना नज़दीक में ही है, हम काम पे भेज दिए। अब ये नहीं पता था कि मोबाइल छीन लेगा उससे। यानी पहली रात अगर पत्नी नहीं आई, वही सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं हुई या आपने अगले दिन जाने की कोशिश नहीं की? हमने डेली फोन किया उसके पास, सनी बोल रहा है कि कोई बात नहीं, वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उनको डरा दिया था उन्होंने कि अगर कुछ बोली अपने घर वाले के पास तो मैं तेरे को यहीं मार दूंगा। देखिए, इनका ये भी कहना है कि इनका ये भी आरोप है कि इनकी पत्नी को मारने की धमकी दी गई थी, जब पत्नी की इनसे बात नहीं हो पा रही थी, इनका ये कहना है कि इन्होंने लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जो इनकी पत्नी का मोबाइल है उन आरोपियों की तरफ से छीन लिया गया था। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों आरोपियों को जो मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ से उनको अदालत में पेश किया जाएगा। और जो चंडीगढ़ पुलिस की अगर कार्रवाई की बात करें, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुल कितने लोग हैं और पुलिस की कार्रवाई से आप कितना आप संतुष्ट हैं? सर, वो तो मैं नहीं जानता हूँ, एक ही आदमी को, सन्नी को जानता हूँ, वो घरवाली के साथ किसने रेप किया वो तो मैं देखने नहीं गया, मगर वो उन्हें बता रहा है कि 40-50 आदमी मतलब 4 दिन में मिला है मेरे से, रेप किया मेरे साथ। लेकिन एक सवाल ये भी कि पंचकूला पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं की, जो नहीं, महिला पुलिस के जो दावे किए जाते हैं? नहीं, उन्होंने, उनको सोचना चाहिए कि अगर मर्डर हो जाए यहाँ पे तो उनको पहले देखना चाहिए कि भाई क्या बात है, पहले अपने अपने हाथ में केस लें, मगर उन्होंने नहीं लिया, हमारा मदद नहीं किया। बड़े बिल्कुल अफसरों में भी फोन किया हमने, उन्होंने बोला कि हेडक्वार्टर फोन करो, वहाँ पे भी फोन किए। किन किन ऑफिसर से आपने संपर्क करने की कोशिश की? अपना नाम तो नहीं पता, बड़े अफसरों में से फोन किया था, मेरे पास नंबर भी है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो पंचकूला पुलिस है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बिल्कुल मदद नहीं की गई, जब इनकी पत्नी का इनसे संपर्क हुआ, जब इन्होंने 100 नंबर पे बात करने की कोशिश की, तब कहा गया कि आप महिला थाने में जाइए, जब महिला थाने से संपर्क किया गया, उन्होंने कहा कि आप मनी माजरा थाने में जाइए। यानी जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े होते हैं कि जो महिला का आरोप है कि 4 दिन तक लगातार उनको बंधक बनाए रखा, 4 दिन में 40 लोगों ने गैंगरेप किया, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस है, जो पंचकूला पुलिस है, जो महिला थानों के जो दावे किए जाते हैं, वो सच्चाई भी आपके सामने आ रही है। अनिल, बिल्कुल तमाम खामियां सिस्टम की, पुलिस की, बड़े अधिकारियों की यहां सामने आ रही है, जैसे पीड़िता के पति अपने बयान दे रहे हैं। लेकिन अनिल, कुछ सवाल हर उस शख्स के जहन में उठ रहे हैं जिन्हें ये बड़ा और संगीन मामला पता चल रहा है, और वो ये कि 4 दिन तक पीड़िता के पति ने संपर्क करने की कोशिश की, 4 दिन तक उनकी पत्नी से उनकी बात नहीं कराई गई, आपने उनसे सवाल पूछा भी, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही है सुनने वालों को कि 4 दिन तक क्यों नहीं उनको ये खौफ पैदा हुआ कि मेरी पत्नी किस हालत में है, क्यों नहीं वहां पहुंचकर उन्होंने खुद देखी तमाम चीजें या खुद पुलिस तक नहीं गए? और अनिल, एक और खास चीज कि उन्होंने सिर्फ फोन पर कहा, रेप करने वाले 40 से 50 शख्स थे, उन्होंने सिर्फ फोन पर कहा उन लोगों के कि आप मेरी पत्नी को भेज दे वरना मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और उन्होंने उनकी पत्नी को आने दिया। अनिल, मामला वाकई बहुत गंभीर है।
बिल्कुल देखिए, काफ़ी गंभीर मामला है क्योंकि एक महिला को लगातार 4 दिन तक बंधक बनाया जाता है, 40 के करीब लोग वहाँ पे गैंग रेप करते हैं। हालांकि इनके पति का ये कहना है कि उन्होंने लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की लेकिन फ़ोन पे किसी तरह की बातचीत नहीं हो पाई। मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछना चाहूँगा, जब आपने पहले दिन बात करने की कोशिश की, मोबाइल छीन लिया गया, आपसे बातचीत नहीं हो पाई, तो आपने उसी वक्त नहीं सोचा कि पुलिस में जाना चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए? दूसरे दिन उसको पूछा कि भाई मेरा घरवाली का मोबाइल क्यों छीने थे आप? बोलते नहीं, मैं रात को ले लेता हूँ मोबाइल सबसे। तो मैं बोला ऐसा क्यों, मेरा घरवाली से मोबाइल कभी मत छीनना, क्यों मेरे को बात करना होता? दूसरे दिन पत्नी से कोई बात हुई दूसरे दिन या तीसरे दिन पहले? घबरा हुआ था, मैं बोला क्या बात है बताओ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है बताऊंगी मैं बाद में, उनको डरा दिया था उन्होंने। अच्छा, पत्नी से बात हो गई थी दूसरे दिन लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई, उनको डरा दिया, डांट दिया गया था, डरा दिया था उसको। तीसरे दिन कोई बात हुई और दूसरे दिन की रात को कोई बात हुई दोबारा फिर आपसे? तीसरे दिन बात हुई कि चलो कल भेज देंगे तुमको, तुम चले आना कल। देखिए, इनका ये कहना है कि दूसरे दिन इनकी बात हो गई थी लेकिन इनका कहना है कि उस वक्त इनकी पत्नी डरी हुई थी, इनकी पत्नी ने भी कुछ ज़्यादा इनको नहीं बताया, सिर्फ यही कहा था कि मैं बाद में आपसे बात करूंगी, इनका ये कहना है। लेकिन कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि एक महिला को बिल्कुल पंचकूला के नज़दीक मोरनी में होटल में बंधक बनाया रखा जाता है, 4 दिन तक गैंगरेप वहाँ पर किया जाता है, 40 के करीब लोगों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। हालाँकि जो पंचकूला पुलिस है उसके ऊपर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जब 100 नंबर पर कॉल की गई, जब महिला थाने में पीड़ित परिवार गया, तो उस वक्त पुलिस ने क्यों मदद इनकी नहीं की? पुलिस की, हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया कि ये मामला मनी माजरा का बनता, मनी माजरा में जाइए। मनी माजरा में जब ये आते हैं यहाँ के SHO की तरफ से इस मामले में मामला दर्ज किया जाता है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस 0 FIR दर्ज कर सकती थी लेकिन मामले की पेचीदगी को देखते हुए, मामले की सीरियसनेस को देखते हुए, जो एक रेगुलर मामला बनता था, पुलिस की तरफ से रेगुलर मामला दर्ज किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका, उनको मेडिकल के लिए फिलहाल हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ से उनको फिर सीधा कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि जो बाकी आरोपी है, जो महिला की तरफ से कहा गया है कि जो गैंग रेप किया गया, दावा किया गया कि उसमें जो हरियाणा पुलिस के जवान थे, हरियाणा के पुलिसकर्मी थे, वो भी शामिल थे, ये महिला का आरोप है। अब देखना ही होगा कि जो मामले की जांच है किस तरह से। बिल्कुल अनिल, अब पीड़िता के बारे में अगर बात करें, जाहिर है इस वक्त बहुत बड़े मानसिक प्रेशर से वो गुजर रही होंगी, बहुत बुरा दौर वो देख कर आई हैं। अभी उनकी हालत कैसी है? मेडिकल भी उनका हो गया, लेकिन आपने उनसे बात करके देखी, वो क्या कह रही हैं इस पूरे मामले में, इंसाफ को लेकर क्या बात कर रही हैं आगे? देखिए, महिला फिलहाल इसी थाने के अंदर, महिला यहीं पे आई हुई है, जो महिला की जो एक कागज़ कार्रवाई होती है वो कागज़ कार्रवाई यहाँ पे फिलहाल चल रही है। फिलहाल इस महिला को यहाँ से सीधा पंचकूला महिला थाने में ले जाया जाएगा। और जो महिला की एक्सक्लूसिव बाइट सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक पर चली थी, उसमें भी आपने देखा था कि महिला ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही थी। महिला की तरफ से यही कहा जा रहा था कि उनकी फिलहाल तबीयत खराब है, क्योंकि मामला देखा था बिल्कुल संगीन मामला है, आत्मा को भी झकझोर देने वाला मामला, कि 4 दिन तक एक महिला को बंधक बनाया जाता है, वहाँ पर 40 के करीब लोग उससे गैंग रेप करते। तो ऐसे में महिला की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन महिला ने इतना जरूर कहा कि रोजाना 10 से 12 लोगों के द्वारा उनका कहीं ना कहीं जो दुष्कर्म है, गैंगरेप है, वो गैंगरेप उनका किया जाता था। रोजाना 10 से 12 लोग उनका गैंगरेप करते थे, यानी 4 दिन में 40 के करीब लोगों ने उनका गैंगरेप किया गया। फिलहाल महिला इस थाने में मौजूद है, महिला को यहाँ से सीधा पंचकूला महिला थाने ले जाया जाएगा। जो भी कागज कार्रवाई है वो यहाँ पे लगातार चल रही है, जो आरोपी है, जो होटल मालिक है, जो होटल मैनेजर है, उनको गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए ले जाया गया है। फिलहाल जो पीड़ित महिला और जो पीड़ित पुरुष है, उनके पति है, वो फिलहाल इसी थाने में मौजूद है। अब यहाँ से उनको सीधा पंचकूला थाने में ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल अनिल, एक बार फिर से ये नारा गलत साबित हुआ हरियाणा में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बच नहीं रही है। हर रोज कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आई जाती है और हम देख रहे हैं अनिल कि हर गुजरते दिन के साथ बेहद संगीन मामला सामने आता जाता है। अनिल, रोहतक की निर्भया का केस अभी हाल ही में हमारे सामने था और अब ये मामला पंचकूला से। देखिए बिल्कुल बेटी, बिल्कुल देखिए, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे सरकार देती है लेकिन दावों में कितनी सच्चाई है, वो एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। एक महिला को पंचकूला से महज कुछ किलोमीटर दूर, पंचकूला इतना महत्वपूर्ण शहर है, चंडीगढ़ के पास है, वहाँ पे एक महिला को बंधक बनाया जाता है, 4 दिन तक बंधक बना के 40 के करीब लोग वहाँ पे सामूहिक गैंगरेप वहाँ पे उस महिला के साथ करते हैं। फिर वो पीड़ित महिला जब वहाँ से निकलती है, 100 नंबर पर कॉल करती है, वहाँ से कहा जाता है कि आप महिला थाने में जाइए। जब वो इसका पति महिला थाने में जाता है, उन लोगों की तरफ से कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, महिला थाना कहता कि मामला चंडीगढ़ का बनता है, मनी माजरा जाइए। यानी जो हरियाणा पुलिस की तरफ से कितनी मदद वहां पे की जाती है, कितनी संजीदगी हरियाणा पुलिस की तरफ से दिखाई जाती है, वो इसे यहां पे साफ तौर पे आप देख सकते हैं।
बिल्कुल अनिल, क्योंकि दो पुलिस के जवानों पर भी आरोप लगाए हैं इस पीड़ित युवती ने, पुलिस के भी दो जवान इसमें शामिल हैं गैंगरेप में, ऐसा उसका कहना है। तो अनिल, ये तस्वीर और भयानक तब होती है अगर ऐसा है तो जिन पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके भरोसे पर ये तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं कि बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे में अनिल ये सोच को और गंभीर करती है, इस मसले पर सोचने के लिए और मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हरियाणा सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में महिला थाने स्थापित किए गए, ब्लॉक स्तर पर भी महिला थाने स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन महिला थानों की क्या सच्चाई है वो इस केस में साफ तौर पर नजर आती है। देखिए, महिला को 4 दिन तक बंधक बनाया जाता है, जब वो महिला उस चुंगल से निकलती है, 40 लोग वहाँ पर गैंगरेप करते हैं, जब महिला वहाँ से निकलती है 100 नंबर पर कॉल की जाती है, 100 नंबर पर कॉल करने के बाद कहा जाता है कि मामला महिला थाने से संबंधित है, महिला थाने में जाइए, महिला थाने में जाती है तो कहा जाता है कि मामला चंडीगढ़ का बनता है, जब वो महिला सामान्य हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मामला पुलिस का बनता है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार एक पीड़ित है, वो पीड़ित आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? पीड़ित वो एक महिला है जिसकी जो सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं, पुलिस भी तरह तरह के दावे करते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। महिला अगर हॉस्पिटल में जाती है तो कहते हैं कि मामला पुलिस का बनता है, पुलिस में जाइए, जब महिला 100 नंबर पर कॉल करती है तो कहा जाता है कि मामला महिला थाने का बनता है, जब महिला और उसका पति महिला थाने जाते तो कहा जाता है कि मामला चंडीगढ़ का बनता है। यानी हरियाणा पुलिस कितनी गंभीर है, पंचकूला पुलिस कितनी गंभीर है, जो महिला थाने हैं, जो महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं वो कितनी गंभीर है। सीएम ने भी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया था, अभी चंद रोज पहले ही हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक ऐप भी लॉन्च किया था, दुर्गा शक्ति ऐप, की उसके जरिए महिलाओं को मदद मिलेगी। तब ये भी था कि हो सकता है कुछ हद तक महिलाओं को मदद मिले, लेकिन जब अनिल मामले इस तरह के सामने आए, जब पूरी तरह से किसी पर भरोसा करने का मामला हो और जब एक अकेली महिला से फोन ही छीन लिया जाए, वो स्मार्टफोन हो या ना हो, किसी तरह से अपने पति को भी इत्तला करती, तो फिर ये तमाम ऐप, ये तमाम आंदोलन, ये तमाम घोषणाएं बहुत कमजोर साबित होती हैं। अनिल, बिल्कुल, देखिए बेमानी सी ये बात लगती है, महिला शक्ति को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके एक ऐप लॉन्च की जाती है। ऐप का मकसद ये है कि अगर महिला कोई मुसीबत में, वो एप्लीकेशन के ऐप के जरिए अपनी कहीं ना कहीं जो मुसीबत वो साझा कर सकती है पुलिस के जरिए, लेकिन जब महिला और उसका पति बिल्कुल जीवंत तौर पर पुलिस से संपर्क करते हैं, 100 नंबर पर कॉल करते हैं, PCR की तरफ से कहा जाता है महिला थाने में जाइए, जब महिला थाने में जब एक पति पत्नी जाते हैं, कहा जाता है कि उनकी पत्नी के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, तब कहीं ना कहीं जो महिला थाना है, जो महिला पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद रही होंगी, जो महिला पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद रही होंगी, वो कितनी गंभीर थी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐप एक अलग चीज है, उसके लिए आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, आप स्मार्टफोन के जरिए अपनी शिकायत वहां पे दर्ज कराएंगे, लेकिन जब आप जीवन तौर पर ही महिला थाने में जाते हैं, महिला थाने में अपनी कहीं ना कहीं जो एक समस्या और आपकी तरफ से कहा जाता है कि आपके साथ गैंगरेप हुआ, तब भी हरियाणा पुलिस कितनी गंभीर है वो आपके सामने है। जी बिल्कुल, गैंगरेप को लेकर भी हरियाणा पुलिस कितनी गंभीर है दिख रहा है इस मामले में। अनिल, ठीक कहा आपने, अनियमितताएं कदम कदम पर सामने आ रही हैं। एक तो अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है कि 22 साल की युवती 4 दिन तक बंधक बनी रही, 40 से 50 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उस पर उसका मामला दर्ज नहीं हुआ ठीक से, अस्पताल में भी पहले पुलिस के पास भेज दिया गया, फिर मामला दर्ज होता है। बहरहाल बहुत खामियां हैं सिस्टम में अनिल, अभी भी बातें बड़ी बड़ी करने से कुछ नहीं होगा। अनिल, क्या लगता है आपको कि वाकई कुछ रूट लेवल पे करने की जरूरत है? ये जो मामला कम से कम अब सामने आया है, इतना संगीन मामला है और रेयर होते हैं, दुर्लभ होते हैं इस तरह के मामले, तो क्या लगता है रूट्स पर हम कुछ काम करने में कमी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि एक पति पत्नी है, पत्नी और पति को काम की ज़रूरत होती है, जब पति की तरफ से अपने एक जानकार से संपर्क किया जाता है तो वो जानकार कहते हैं कि आप मोरनी में आइए, हमारे यहाँ पे फार्म हाउस है, हमारे यहाँ पे होटल, आप सफाई कीजिए और हम आपका नौकरी पे रख लेते हैं। उस पत्नी को नौकरी दे दी जाती है, 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली बात वो फिक्स हो जाती है। जब पत्नी वहाँ पर चली जाती है तो कहीं ना कहीं पहले दिन से उस हैवानियत का जो एक खेल था, जो एक नंगा खेल था, पहले दिन से ही वो खेलना शुरू हो जाता है। महिला ने एक्सक्लूसिव खबरें अब तक से बातचीत
की खबरें अब तक से उस महिला ने साफ तौर पे कहा कि रोजाना 10 से 12 लोगों की तरफ से उनके साथ गैंगरेप किया जाता है। 10 से 12 आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चार दिन में जो ये आंकड़ा है वो 40 से ऊपर चला जाता है। हालांकि एग्जैक्ट कितने लोग थे, 40 थे, वो नहीं कहा जाता, लेकिन महिला की तरफ से यही कहा जा रहा है कि रोजाना 10 से 12 लोग उनके साथ गैंगरेप करते थे। 10 से 12 लोग एक बड़ी संख्या होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि लगातार चार दिन तक उस महिला के साथ क्या बीती होगी। उस महिला को नशा भी दिया जाता है, बेहोशी के इंजेक्शन भी वहाँ पर दिए जाते हैं, और जो पति संपर्क करने की कोशिश करता है तो पति का संपर्क नहीं होता। जब संपर्क होता है, जब महिला वहाँ उस चुंगल से निकल जाती है, तब जो 100 नंबर पर कॉल की जाती है, महिला थाने में संपर्क किया जाता है, और कहीं ना कहीं पुलिस कितनी गंभीर है वो इस केस में साफ तौर पर नजर आता है। कहीं ना कहीं बिल्कुल ग्रास रूट पर, निचले रूट पर भी काम करने की जरूरत है। जो एक दावे किए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, अकेला एप्लीकेशन लॉन्च करने से, महिला थाने बनाने से ना बेटियाँ बचेगी ना बेटियाँ पढ़ेगी। उसके लिए कहीं ना कहीं एक जो हर स्तर पर काम करने की जरूरत है, ग्राम स्तर पर भी, निचले लेवल पर भी काम करने की जरूरत है, और ऊपरी लेवल पर भी काम करने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो पंचकूला पुलिस के वो अधिकारी, जिनका कहना है कि इन्होंने पंचकूला पुलिस के कई अधिकारियों से संपर्क किया, कई पुलिस अफसरों से इन्होंने बातचीत की, लेकिन कोई संतोषजनक कार्रवाई, संतोषजनक जवाब इस परिवार को नहीं मिला, तो पहला सवाल ये भी खड़ा होता है। और खबरें अब तक भी यही सवाल पूछता है हरियाणा सरकार से, क्या आखिरकार जो पंचकूला पुलिस थी, जो पंचकूला पुलिस के वो अधिकारी थे, या जो महिला थाने के जो अधिकारी थे, जिनकी तरफ से इनकी कार्रवाई नहीं की गई, इनकी जो बात है वहाँ पर नहीं सुनी गई, इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, कार्रवाई क्या की जाएगी, ये तो बड़ा सवाल है ही अनिल, और इंसाफ का प्रोसेस भी कितना लंबा कितना कम होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी पिक्चर पूरी तरह से क्लियर नहीं है। अनिल, कुछ मालूम हुआ कि मूल रूप से ये लोग क्या हरियाणा से ही ताल्लुक रखते हैं या देश के किसी और हिस्से से यहाँ पर रोजगार की तलाश में आए थे? अनिल, देखिए, ये परिवार चंडीगढ़ में रहता, मनी माजरा में ये परिवार रहता, और इनको काम की तलाश थी। काम की तलाश के लिए इन्होंने उस मोरनी होटल में, मोरनी में जहाँ पे होटल था, उस होटल संचालक से बात की। जो होटल संचालक है, इस महिला के पति का वो जानकार था, और उस होटल संचालक की तरफ से कहा गया कि अपनी पत्नी को यहाँ पर भेज दीजिए, हम यहाँ पर रोज़गार दे देंगे, और वो महिला रोज़गार के लिए वहाँ पर गई थी। लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं। जब महिला वहाँ चार दिन तक बंधक थी, पति का कहना कि मैंने लगातार संपर्क बनाने की कोशिश की, उस महिला का मोबाइल वहाँ पर छीन लिया गया था, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब पहले ही दिन उनसे कोई बातचीत नहीं होती, दूसरे दिन इनको अगर डाउट होता है कि महिला वहाँ पे ठीक नहीं है, तो इनको दूसरे दिन पुलिस में जाना चाहिए था। चार दिन तक महिला वहाँ पे बंधक रहती है, महिला का कहना है कि उनको वहाँ पे नशा दिया गया, उनको इंजेक्शन वहाँ पे लगाए गए, बेहोश उनको वहाँ पे रखा गया, और 10 से 12 रोज़ाना उनके साथ गैंग रेप करते थे। तो कई तरह के सवाल इस केस में खड़े होते हैं। हालांकि जो हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ पुलिस है, जो मनी माजरा पुलिस है, इनकी तरफ से कड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई। जैसे ये परिवार इस थाने में आता है, जो यहाँ SHO होते हैं, मामला दर्ज करते हैं, हालांकि SHO 0 FIR भी दर्ज कर सकते थे, लेकिन मामले की कहीं ना कहीं गंभीरता को देखते हुए पुलिस की तरफ से जो एक रेगुलर केस होता है, रेगुलर केस यहाँ पे दर्ज किया गया। दो लोग, जो एक होटल संचालक था, जो होटल का मैनेजर था, उनको गिरफ्तार किया गया, और पुलिस का कहना है कि इस केस में जितने भी आरोपी थे, जो होटल है, होटल की जो विजिटर डायरी है, उस विजिटर डायरी को चेक किया जाएगा, किन 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 लोगों ने वहाँ पर विजिट की है, किन किन लोगों ने उस महिला से जो बलात्कार है, गैंगरेप है, वो किया, वो वहाँ पर देखा जाएगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो महिला का कहना है कि हरियाणा पुलिस के जवान भी थे जिन्होंने उस महिला से गैंगरेप किया, वो भी जांच की जाएगी कि आखिरकार वाकई में हरियाणा पुलिस के जवान थे या उस होटल संचालक की तरफ से उस महिला को डराने के लिए धमकी दी गई थी। बिल्कुल सही कहा अनिल आपने, मामला वाकई बहुत गंभीर है, पुलिस की तरफ से बहुत सारी कमियां इस मामले में देखने को मिली हैं, सामने आई हैं। अनिल, यानी कुल जमा ये है कि हम जितने भी नारे लगा लें, हम जितने भी दावे कर लें, हम पूरी तरह से कम बेटियों को बचाने के मामले में, बेटियों की हिफाजत के मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के एतबार से पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है हमारा सिस्टम। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा, पिछले दिनों हरियाणा में लगातार बलात्कार की घटनाएं हुई थी, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की छवि भी धूमिल हुई थी। कहीं ना कहीं ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा था, विपक्ष ने सरकार को घेरा था कि हरियाणा में बेटियां सुरक्षित नहीं है, सरकार की तरफ से लागू दावे किए गए। लेकिन जो ये मोरनी गैंगरेप की घटना है, मोरनी गैंगरेप की घटना ने कहीं ना कहीं उन दावों के ऊपर कई तरह के सवाल या निशान खड़े कर दिया है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं ना सरकार ये भी कहती है कि हमने कई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जगह जगह पर हमने महिला थाने खड़े किए,
लेकिन उन थानों की क्या सच्चाई है, बेटियां कितनी सुरक्षित है, इस केस में बिल्कुल सामने आ चुका है। जो चंडीगढ़ पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से तो कार्रवाई उस केस में कर दी गई, लेकिन जो हरियाणा पुलिस है इस केस में कार्रवाई करने से बचती रही। 100 नंबर पर आप कॉल करते हैं तो कहा जाता है कि महिला थाने में जाइए, महिला थाने का मामला। जब आप महिला थाने में जाते हैं तो कहा जाता है कि ये मामला चंडीगढ़ का बनता है। तो आखिरकार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो पीड़ित है जाए तो जाए कहाँ पर। एक गैंगरेप पीड़िता थी, उसकी शिकायत दर्ज हो गई थी, मामला दर्ज हुआ था, उसके साथ दोबारा गैंगरेप हुआ। जब वो पुलिस में शिकायत करने गई तो उन्हीं लोगों ने दोबारा गैंगरेप किया, डराया गया, धमकाया गया कि पुलिस में मामला दर्ज ना कराओ। रोहतक की हम ये बात कर रहे हैं, रोहतक का ये मामला था अभी पीछे हाल ही में, मई का ये मामला है जो बता रहे अपने दर्शकों को। तो कुल मिलाकर खौफ बिल्कुल भी नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है, और एक गैंगरेप पीड़िता के साथ दोबारा गैंगरेप, वाकई सिचुएशन बहुत सोचने वाली हो गई अनिल कि किस दिशा में तो हम जा रहे हैं। और बेटियों को बचाना अगर हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया है तो फिर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे क्यों हैं। देखिए पिछले दिनों अगर कुछ महीने पहले की अगर बात करें, हरियाणा में लगातार जो बलात्कार की घटनाएं हैं, गैंगरेप की घटनाएं, कई घटनाएं सामने आई थी, चाहे रोहतक की बात हो, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पर इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई। और मामले इतने बढ़ चुके थे कि राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा है, हरियाणा की छवि को भी झटका लगा था, छवि भी हरियाणा की काफ़ी हद तक धूमिल हुई थी। कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री को अपने जवाब देने पड़े, DGP तक कहीं ना कहीं जवाब तलबी की गई, और कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार हरियाणा में क्या बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। सरकार की तरफ से तरह तरह के दावे किए गए, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है उसका जीता जागता एग्जांपल जो मोरनी में गैंगरेप हुआ, वो एग्जांपल बिल्कुल सामने। महिला को 4 दिन तक गैंगरेप किया जाता है, बंधक वहां पे बनाया जाता है, 40 के करीब, एक बड़ी संख्या 40 के करीब लोग वहां पे गैंगरेप करते हैं। महिला थाने में जाती है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। तो ऐसे में हरियाणा में बेटियां कितनी सुरक्षित है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, वो आपके सामने है मुमताज। अनिल आप हमारे साथ बने रहें, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ पंचकुला से शशि किरण अरोड़ा हमारी सहयोगी जुड़ी है इसी खबर पर। शशि, एक बहुत बड़ा मामला ये सामने आया है, एक 22 साल की शादीशुदा युवती के साथ 40 से 50 लोगों ने गैंगरेप किया है। शशि ये खबर लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बात यह है शशि कि इतना संगीन मामला है, लेकिन हमारे सहयोगी अनिल ने बताया कि पुलिस ने बहुत अनियमितता बरती है, अस्पताल में भी फिर तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। पहले मामला दर्ज करने के लिए कहा जाता है, पीड़िता की तबीयत खराब थी, पहले उसका इलाज नहीं किया जाता। शशि, हम बेटियों को बचाने के तमाम दावों को कैसे समझे इस मामले को देखते हुए? बिल्कुल, जिस तरीके से मामला मेरे संज्ञान में आया, सबसे पहले हमारे चैनल ने इस मुद्दे को उठाया कि 40 लोग, एक जिन्होंने इससे कोई वारदात हो नहीं सकती, और देश भर की शायद सबसे बड़ी घटना होगी कि एक 22 साल की युवती के साथ 40 से 50 लोग गैंगरेप करते हैं, जिसमें हरियाणा पुलिस के 2 मुलाजिम भी शामिल हैं। और उसके बाद जब पीड़िता अपने पति के साथ दर दर की ठोकरें खाती है, पंचकुला पुलिस के पास चक्कर लगाती है, अस्पताल में जाती है, लेकिन कोई मदद के लिए उसके साथ आगे नहीं आता, बल्कि उसे भटकना पड़ता है दर दर की ठोकरें खाने के लिए। आखिरकार चंडीगढ़ पुलिस की इसमें जरूर सराहना करेंगे कि मनी माजरा पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही तुरंत FIR दर्ज करी, मेडिकल करवाया और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार भी किया है। तो शशि, मामला क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, 40 से 50 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें शशि, और अभी तक का ये सबसे बड़ा मामला एक तरह से सामने आया है प्रदेश में तो खास तौर से। क्या लगता है शशि, हम सिर्फ बातें ही कर रहे हैं आज तक, हम कुछ नहीं कर रहे बेटियों के लिए? बिल्कुल मुमताज, इसमें मैं बताना चाहूंगी, अभी चंद दिन पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर पंचकुला में आए थे। पंचकुला की धरती पर उन्होंने ऐलान किया था कि 15 अगस्त तक इस तरीके का एग्जाम्पल हरियाणा में सेट कर देंगे कि महिलाओं और बच्चियों के प्रति कोई अगर देखने की जरूरत भी नहीं करेगा, अगर कोई देखता है तो उसकी उंगली तक काट दी जाएगी। लेकिन उन दावों को सुनते हुए आज 4 दिन भी नहीं बीते और इस तरीके का बड़ा वारदात उसी पंचकुला की धरती से निकल कर आया है, और वही पंचकुला की हरियाणा पुलिस जो है महिला की पीड़ित की मदद करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो है चंडीगढ़ की झोली में इस केस को डाल दिया जाता है अपने गुनाह को बचाने के लिए। जी शशि, आप बनी रहे हमारे साथ, अनिल आपसे भी गुजारिश है आप भी बने रहे हमारे साथ इस बड़े मसले पर। एक 22 साल की युवती के साथ 40 से 50 लोगों ने गैंगरेप किया है, तो बड़ा मामला एक हरियाणा प्रदेश में सामने आया। एक गेस्ट हाउस में 22 साल की एक शादीशुदा युवती के साथ करीब 4 दिन तक बंधक बनाकर 40 से 50 लोगों ने गैंगरेप किया है,
और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवती खुद उनके चंगुल से किसी तरह छूटी और वापस आकर उसने अपने पति को सारी बातें बताई हैं। थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया इन्होंने, लेकिन बड़ी बात यह है, हमारे सहयोगी अनिल मोर ने बताया कि मामला दर्ज करवाने में इनको काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। एक तो पीड़ित जहनी तौर पर वैसे ही परेशान होते हैं और ऊपर से पुलिस का ये रवैया वाकई नाकों चने चबवा देता है। और हमारे साथ इस बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर, इस संजीदा खबर पर हमारे साथ नम्रता साहिबा हैं, चंडीगढ़ से महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, उनका रुख करेंगे यहाँ पर। नम्रता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी नमस्कार जी। जी आपके आपके संज्ञान में ये मामला है? जी नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को अभी खबर अभी ही पता चला है ये बात। मैं आपको बता देती हूँ नम्रता जी, एक 22 साल की युवती है, शादीशुदा युवती है, मोरनी में एक गेस्ट हाउस में 4 दिनों तक इसे बंधक बनाकर रखा गया और युवती का कहना है कि करीब 40 से 50 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया है। तो अपने आप में एक बड़ा मामला है। अब पुलिस में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है, तो हम ये जानना चाहते हैं नम्रता जी कि तमाम दावे, तमाम वादे बेटियों की सुरक्षा के लिए हम जो करते आए हैं वो बहुत हल्के, बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। जी देखिए, ऐसा है, जो इस तरह के जो जघन्य अपराध जिनको हम आए दिन देखते हैं, आए दिन सुनते हैं, ये जो कुंठित मानसिकता जो पुरुषों के अंदर बन गई है, यही अपने आप के अंदर बहुत बड़ा कारण है। और ऊपर से दुर्भाग्य की बात तो ये है, जो कानून के रखवाले जिनको कि हम पुलिस का नाम देते हैं, तो उसके अंदर यही जो है कानून के रखवाले होने के बाद भी ये ढंग से कार्रवाई नहीं करते हैं, और बल्कि लड़कियों को हर समय यही समझते हैं कि लड़कियां इन चीजों में, इन बातों में झूठ बोलती हैं और पैसा लेने के लिए ऐसे आरोप लगा देती हैं। ये अपने आप अंदर बहुत बड़ी बात है। तो इसके अंदर जो है पुलिस को ही मुस्तैदी से काम करना चाहिए, बजाय कि ये भेदभाव करने की लड़कियां झूठ बोलती हैं, सच बोलती हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए, अपना जो मन के भाव है वो बाद में बताने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि पुलिस वाले हों या आदमियों की ज्यादातर मानसिकता जो बनती जा रही है कि जो महिलाएं झूठ बोलती हैं, ये सबसे बड़ा एक कारण है जिसके अंदर एक पुरुषों को कहीं ना कहीं, मतलब उनको ये मनोबल उनका बढ़ता है कि हाँ महिलाओं को झूठा साबित कर दिया जाता है और पुरुषों को सही साबित किया जाता है। ये भी एक कारण कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है कि पुरुष तो चाहे पैसा देकर, चाहे ऊपर से अप्रोच लगाकर छूट जाते हैं, जिसका मनोबल बढ़ जाता है और इस तरह की जो महिलाएं हैं इस तरह का अत्याचार सहन करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर है और इनको पुलिस के तलवे चाटने पड़ते हैं, इनको मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और कई महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां ऐसी हैं जो पुलिस के पास नहीं जा पाती हैं। जी जी नमिता जी, एक और अपडेट आपको दे देते हैं हम इस पूरे मामले में। जो पीड़िता है, जिस युवती के साथ गैंग रेप हुआ है, उसका ये भी कहना है कि उसके साथ रेप करने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे, ये आरोप है उस युवती के, तो तस्वीर और ज्यादा भयानक हो जाती है। जी मैं यही आपको मैं बता रही हूँ कि मानसिकता जो पुलिस वालों की अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है कि इनकी खुद की मानसिकता ऐसी है तो क्या किसी को न्याय दिलाएंगे। और इस प्रकार से जो कोई पुलिस वाला ही इस तरह के काम करता है, दक्षक ही भक्षक बनता है, तो आप बताइए इसके अंदर समाज कहाँ जाएगा? जो पीड़ित है, जो कोई भी, चाहे इसके अंदर कोई बच्ची पीड़ित है, चाहे कोई बच्चा लड़का भी, आजकल तो लड़कों के साथ भी यौन शोषण हो रहे हैं, तो ये कहाँ पर जाए? अभी हमारे यहाँ पर भी एक बच्चा लड़का है जिसका यौन शोषण हुआ है, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं कि लड़के के साथ भी कोई यौन शोषण हो सकता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और इसके ऊपर मैं कहूँगी सरकार को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए कि बेशक पुलिस है, इनको काम रखवाली करना है जनता की, और ये खुद ही रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो समाज कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल नमिता जी, दुर्भाग्य की बात तो दरअसल यही है कि हम जितनी सरकार से अपील करते हैं कि आप इन मामलों को गंभीरता से ले, और सरकार जितने दावे करती है, जितने शक्ति ऐप लॉन्च करती है, उससे भी ज्यादा बड़े और संगीन मामले हर रोज सामने आ जाते हैं। नहीं, जमा ये की बातें करने से कुछ, एक बात सुनिए, सरकार जो है कानून कठोर बना सकती है, सरकार जो है जो कोई भी कार्रवाई जो बच्चियों के प्रति होनी चाहिए उसको सख्त और कठोर बना सकती है, वो सरकार बना रही है। सरकार के काम के अंदर मुझे नहीं लगता कोई चूक है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उनकी मानसिकता जो कुंठित होती जा रही है उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, उनके ऊपर अंकुश होना चाहिए। होता क्या है, जब पुलिस वाला कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको सस्पेंड करते हैं, सिर्फ सस्पेंड करते हैं, उनकी एक सदस्य सस्पेंड होती है, जबकि उसको फौरन उसी वक्त टर्मिनेट कर देना चाहिए। पता लगता ही, चार्ज लगता ही कि उसने कोई रेप किया है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया है, तो साथ ही टर्मिनेट कर दे, उसको नौकरी करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के लोग ये सस्पेंड हो जाते हैं, बाद में बहाली हो जाती है किसी भी तरीके से, तो यही एक अपने आप में बहुत बड़ा जो कारण है, इनको लगता है कि हम पुलिस में हो गए हैं तो हमारी नौकरी को कोई खा नहीं सकता, हमारी नौकरी से कोई हमें हटा नहीं सकता, हम जो मर्जी अपनी मन मर्जी करें।
नमिता जी, अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने एक ऐप लॉन्च किया था, दुर्गा शक्ति ऐप था। उससे पहले एक आंदोलन भी चलाया था महिलाओं की रक्षा के लिए, महिला थाने भी उन्होंने खोल दिए हैं। लेकिन आपने कहा सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल तो यही है कि सरकार चाहे कितने भी ऐप लॉन्च कर रही है, सरकार चाहे कितने भी कार्यक्रम चला रही है बेटियों के लिए, नतीजा शून्य है, नतीजा सिफर है। नहीं देखिए, आप इस मामले में ये नहीं कह सकते नतीजा शून्य है, क्योंकि सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, महिलाएं हैं या बच्चे भी हैं, वो अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं। इन जैसे चाहे वो आम पुरुष, आम कोई जनता है या कोई पुलिस वाले हैं या कोई अन्य कोई अधिकारी है, आईपीएस ऑफिसर है, कोई भी है, सभी के खिलाफ आज लड़कियां मुंह खोलने लग गई हैं, अपने अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठाने लग गई हैं, ये सरकार के कदमों का ही नतीजा है। जो ऐप लॉन्च हुई है, देखिए सरकार ने क्या किया, अच्छा ही तो किया। कहीं पर भी अगर एक महिला के साथ होता है तो तुरंत फोन करे, तुरंत आप इस ऐप का जो है मतलब ठीक से इस्तेमाल करे तो आपको फौरन जो है मदद मिलेगी। तो सरकार का तो अच्छा कदम है, सरकार के लिए हम क्या कहेंगे। और स्कीम्स के लूप होल्स भी सामने आते हैं, इस लड़की से जाते ही वहां मोबाइल छीन लिया गया। अव्वल तो स्मार्टफोन्स होते बहुत कम है, और अगर है किसी के पास, अगर वो इतनी मजबूर थी कि उससे मोबाइल फोन जाते ही छीन लिया गया, तो फिर वो उस ऐप का इस्तेमाल कैसे करती। हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब योजनाएं धरातल पर आती हैं, योजनाएं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती हैं, तब वो चीजें जहन में नहीं होती हैं। तो ये कुछ खास आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो ये पुलिसकर्मी रहते हैं, ये सबसे पहले जो पीड़िता है उसी का फोन रखवा लेते हैं, क्यों से उसी का फोन, मतलब पीड़िता का ही फोन रखवा लेते हैं, और उसके अंदर जितनी चीजें होती है उनको डिलीट करने का प्रयास करती है। ये तो इसकी जो खामियां हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार जो है योजनाएं बनाती है, हो सकता है जी, अंदर कोई खामी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नर्मिता जी, आप जुड़ी हमारे साथ इस अहम खबर पर, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस बड़े और गंभीर मामले पर सुमनदया जी भी जुड़ी हैं। सुमनदया, आपको बता दें कि हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ इस गंभीर मसले पर अभी चर्चा करेंगे। सुमन जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सुमन दया साहिबा, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष हैं सुमन दया हमारे साथ फोन लाइन पर। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कोशिश करेंगे हम वापस सुमन दया को अपने साथ जोड़ सकें और उनसे इस गंभीर मसले पर चर्चा कर सकें। आपको बता दें कि एक बड़ा मामला सामने आया है पंचकुला के मोरनी इलाके से। यहाँ एक गेस्ट हाउस में एक युवती के साथ 4 दिनों तक बंधक बनाकर 40 से 50 लोगों ने गैंगरेप किया है। शशि अरोड़ा पंचकुला से हमारी सहयोगी हमारे साथ फिर से मौजूद है। शशि का रुख करेंगे हम यहाँ पर। शशि, बड़ा मामला है, सरकार के तमाम ऐप, तमाम दावे, तमाम कोशिशें, तमाम प्रोग्राम्स जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चलते आए हैं, पहले भी चलते थे, अब भी चल रहे हैं, उनमें अब तेजी भी आई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। शशि, ये मामला बहुत गंभीर है। शशि बिल्कुल, मुमताज, जिस तरीके का सनसनीखेज और ये हैरत करने कर देने वाला और हैवानियत की जिसमें सारी हदों को पार कर दिया गया है, इस तरीके का हरियाणा प्रदेश का शायद ये पहला मामला है। इसे देखकर तो ये लगता है कि जो अपराधी है उनके जो मन में किसी तरीके का खौफ नहीं है, बिल्कुल खास नहीं है। शशि, आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहे हैं। शशि, यहाँ पर हम सुमन दया हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। आपको बता दें कि सुमन दया हरियाणा महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष हैं। सुमन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी नमस्कार। जी नमस्कार सुमन जी, ये मामला आपके संज्ञान में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, काफी बड़ा मामला है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत ही मैं कहूँगी शर्मनाक घटना जो ये घटित हुई है, और मैं कहूंगी इससे बड़ी हैवानियत कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक जो मामले हम सोच रहे थे एक ने रेप किया, दोनों, यहाँ पे 40-40 लोग इन्वॉल्व हैं और इससे ज्यादा होंगे ये कह नहीं सकते। ये इतना बड़ा मैटर हो चुका है, मैं कह रही हूँ आज जो है किसी भी तरीके से कानून का भय लोगों के अंदर बचा ही नहीं है। इससे क्लियर जाहिर हो रहा है कि प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेवारियां पूर्णतः निभा ही नहीं रहा है, और जहां तक मुझे पता चला है कि पंचकुला पुलिस ने तो इसमें कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में कहूंगी कि कहां प्रशासन है, कहां सरकार है, कहां मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि हम हाथ काट देंगे, आंखें नोच लेंगे, तो इस तरीके की मैं कह रही हूं उसके बाद भी अगर कोई डर पैदा नहीं हो रहा तो ये सारे आम सीधा सीधा तौर पर प्रशासन की ढिलाई और सरकार के जो मैं कहूंगी कि उनका जो मन है वो सही तरीके से महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहा है वो क्लियर दर्शाता है।
जी, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये तस्वीर और ज्यादा विभत्स होती जाती है। 40 से 50 लोग गैंग रेप कर रहे हैं 22 साल की युवती का। चार दिन बाद खुद उनके चंगुल से निकली है युवती, तब जाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। उसमें भी अस्पताल में, क्योंकि तबीयत खराब थी, वहां पर पहले जद्दोजहद करनी पड़ी इन्हें अपने पति के साथ, फिर थानों में जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन सवाल बड़ा ये है सुमन जी कि आप कितनी भी योजनाएं ले आएं, आप कुछ भी कर लें, बेटियों के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कमी कहाँ हो रही है? दरअसल क्या इम्प्लीमेंटेशन में कमी हो रही है सुमन जी, क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या हम रूट लेवल पर कुछ नहीं कर पा रहे? सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। आज हम कानून बनाने की बात करते, बहुत कानून बन चुका है। मैं कहती हूँ कि अब कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जितने कानून बने हैं इनको सही तरीके से जमीनी लेवल पर काम करवा दे तो सरकार का, मैं कहूंगी हम इसके लिए धन्यवाद कर देंगे सरकार का। हम इनसे अपील करते हैं कि आप जाके, प्रशासन क्यों इतना ढीला होता जा रहा है? और जहां तक मुझे पता चला है इस मामले में पुलिस वाले भी संलिप्त हैं, शायद कहीं ना कहीं इसके पीछे तार जो है यहां तक भी जुड़े हुए हैं। आज जब प्रशासन के लोग, और जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा, वही महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने पर तुला हुआ है, तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित है, कहाँ जाए महिला? आज ये स्थिति है कि आज मुख्यमंत्री जी से ये सवाल सीधे तौर पर आ रहा है कि कहाँ पर महिला जाए, किससे गुहार लगाए, क्या पुलिस का जो है वो दरिंदगी भी शुरू हो गई है? तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा स्थिति भयानक हो चुकी है। और मैं कहूंगी अगर जल्द से जल्द इन चीजों के समाधान, या जिस तरीके से, क्यों नहीं अब तक इंक्वायरी हो गई, क्यों नहीं अभी तक ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, कहां सो रहा है प्रशासन, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है आपने सुमन जी, लेकिन एक और अहम सवाल, पीड़ित युवती ने भी ये बताया है कि दो पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, ऐसा उसका बयान है, आरोप है पीड़ित युवती का। उसके पति ने भी खबर अभी तक से बातचीत में हमारे संवाददाता अनिल मोर को ये बताया है कि पीड़िता के मुताबिक दो पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है। तो पुलिस तो पुलिस है सुमन जी, आप महिला थाने खोल दें या फिर पहले से जो पुलिस थाने मौजूद हैं, पुरुष पुलिसकर्मी है या महिला पुलिसकर्मी है, सवाल यह है कि जिन लोगों को आपने सुरक्षा के लिए तैनात किया है, जिन लोगों को लोगों की सुरक्षा के लिए आप तनख्वाह दे रहे हैं, वो लोग लोगों की सुरक्षा नहीं कर रहे, बल्कि उनकी दहशत की, उनके खौफ की, उनकी असुरक्षा की वजह बन रहे हैं। इसलिए भी मामला बहुत बड़ा और गंभीर है अपने आप। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत, वही मैं कहना चाह रही थी कि जो प्रशासन है, मुझे तो लगता है कि जो ये थाने हैं ये अड्डे बन चुके हैं। और जहां तक अगर मैं कहूं कि यहां से मिली भगत करके ही जो आरोपी है उनका शायद खौफ जो है वो खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं उन्हें इन चीज का ये सही मायने में पता था कि उनकी उठ बैठ मिली भगत पुलिस के साथ है, तो पुलिस तो कुछ करेगी नहीं। तो किसी भी महिला के लिए कितना कठिन और मुश्किल होगा, वो कहाँ सुरक्षित है जब प्रशासन साथ नहीं है, वो तो गुंडों के साथ मिल गया है, तो कहाँ है प्रशासन? प्रशासन ने तो एक गुंडों का रोल अदा करना शुरू कर दिया है। आईओ है वो इंक्वायरी सही नहीं करते, महिला बेचारी कब तक धक्के खाएगी, उसके तो सुनवाई तो दूर की दूर, उसके पक्ष तक रखने कागजों पर, आपको मैं बता दूं इतने केसेस, आप किसी भी केसेस को उठा के देख लीजिए कि महिला के पक्ष की बात तो कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फाइल पर लेकर ही नहीं आता, दबा दिए जाते हैं मामले, या उसको समाप्त करने के लिए दबाव डाल दिया जाता है महिला के ऊपर। और सुमन जी, अभी हरियाणा में सुमन जी पिछले दिनों जो केस सामने आए हैं महिलाओं के उत्पीड़न से, रेप के, दुष्कर्म के, हम देख रहे हैं कि उसमें जो सबसे खराब चेहरा रहा वो पुलिस का ही रहा। पीछे रोहतक का गैंग रेप का एक मामला था, वो लड़की शिकायत दर्ज कराने थाने में गई तो फिर से उसके साथ गैंग रेप किया गया, उसको डराने के लिए कि अगर तुमने शिकायत दर्ज की तो ऐसे हो जाएगा, अगर शिकायत उसकी दर्ज हो जाती तो दोबारा उसको नौबत नहीं आती जाने की वहां पर, दो दो बार एक ही लड़की से गैंग रेप, तो तस्वीर वाकई बहुत तो भयानक हो गई है। जी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ हरियाणा सरकार को कि कृपया करके जिसको आप तनख्वाह दे रहे हैं या महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात कर रहे हैं, या तो उन्हें उनकी जिम्मेवारियां सिखा दें, या तो फिर आप इन्हें खत्म कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति होती है, महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा, महिलाओं को राजनीति के तौर से इस्तेमाल करना छोड़ दे, यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमन धैया साहिबा, आप जुड़े हमारे साथ इस अहम और गंभीर मसले पर। हरियाणा राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष थी सुमन धैया और वो हमारे साथ जुड़ी थी इस मसले पर। जाहिर है सिस्टम की खामियों पर चिंता जाहिर की उन्होंने भी, और ये नजर भी आ रहा है इस पूरे बड़े मामले में, एक युवती के साथ चार दिनों तक बंधक बनाकर 40 से 50 लोगों ने गैंग रेप किया है, फिर उसे
शिकायत दर्ज कराने में बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी, बड़ी जिल्लतें झेलनी पड़ी। तो सवाल यही है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, दावे कर रही है। अभी सीएम ने कहा था चंद रोज पहले मनोहर लाल खट्टर साहब ने कि बेटियों की तरफ कोई उंगली उठेगी तो उसकी उंगली काट दी जाएगी। दुर्गा शक्ति ऐप भी लॉन्च किया था। ये तमाम चीजें हो रही है राज्य में, लेकिन फिर भी इस तरह की बड़ी वारदात सामने आना वाकई हैरत में डालता है। और हमारे साथ इस मसले पर रेणु भाटिया साहिबा जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रेणु जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी मुमताज, पहुंच रही है। रेणु जी, मुझे उम्मीद है कि आपके संज्ञान में ये मामला अब तक आ गया होगा। थोड़े से शब्दों में बता देती हूँ कि 22 साल की एक युवती पंचकुला के मोरनी से ताल्लुक रखती है। गेस्ट हाउस में 4 दिनों तक बंधक बनाकर 40 से 50 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। अब पुलिस में उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। बड़ी दिक्कतों से मामला पुलिस ने उनका दर्ज किया है। हम ये जानना चाहते हैं रेणु जी कि आपकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झंडा बुलंद करने वालों में अव्वल रही है, लेकिन बेटियां सुरक्षित अब भी नहीं हो रही और ये तो बहुत गंभीर मामला सामने आया है। बिल्कुल, आपकी बात सुनने के बाद तो ये जो संज्ञान में आई बात, ये वाकई बहुत गंभीर है और शर्मनाक भी है कि एक लड़की के साथ 40 लोग इस तरह का व्यवहार करें, दुर्व्यवहार घिनौना अपराध करें। मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और डेफिनेटली मैं आपके फोन के बाद पुलिस से बात करूंगी कौन उधर के इंचार्ज हैं और वो उन्होंने अभी तक अरेस्ट किया कितने लोगों को, कितनों को नहीं किया। जितना मुझे मालूम पड़ा उतने में अभी 2 या 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, परंतु और लोग कौन है जिनका उन लड़की ने नाम लिखवाया है, ये सारी बात का पूरा संज्ञान लेकर मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगी। जी रेणु जी, लेकिन तमाम दावे सरकार के, उनका क्या? देखिए, इस तरह के अपराध सामने आते हैं, घिनौनी हरकत सामने आती है, नो डाउट बहुत शर्मिंदगी और शर्मनाक दर्दनाक घटना होती है, परंतु सरकार अपने प्रयासों में कहीं भी कमी नहीं रख रही। आप देखें मुमताज, पिछले दिनों में सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पे और अब तो पूरे केंद्र में ये बात फाइनल हो रही है कि 12 वर्ष की छोटी लड़की से कोई रेप करेगा तुरंत प्रभाव से फांसी उसकी सजा होगी होगी। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी भी स्तर का अधिकारी, किसी भी पद पर बैठा अधिकारी अगर कहीं पर भी लापरवाही बरतता है इस तरह के केस रजिस्टर करने में या सहयोग करने में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कई जगह पर हुई। तो मैं समझती हूँ सरकार अपने प्रयास पूरे कर रही है, परंतु उस लड़की को मिलने के बाद, उसकी पूरी बात सुनने के बाद, वो लोग कौन थे, हम आपकी बात से इत्तेफाक रख रहे हैं। सरकार बहुत वादे कर रही है लोगों से, बहुत चीजें अमल में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात यह रेणु जी की बिल्कुल खौफ नहीं है लोगों में। और एक 22 साल की लड़की के साथ 40 से 50 लोग गैंग रेप करते हैं, हरियाणा का शायद अभी तक का सबसे बड़ा ये मामला है इस तरह का, जिसके साथ ये हो गया उसका क्या? आइंदा ऐसा ना हो, वो आपकी बात ठीक है कि तमाम कदम आप उठा रहे हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई अब उसका क्या? देखिए, उस बिटिया को के लिए हम नो डाउट बहुत दर्द है उसके लिए, परंतु उससे मिला जाएगा, उससे बात होगी और ये क्या मामला है पूरी बात की जानकारी उस बेटी से ली जाएगी। चलिए, रंजीता मेहता भी है हमारे साथ, रेणु जी कांग्रेस प्रवक्ता, इसी बड़े मामले पर। रंजीता जी, आपके संज्ञान में मामला आ गया होगा, 22 साल की युवती से गैंगरेप किया है 40 से 50 लोगों ने 4 दिन तक बंधक बनाकर। रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहती है रंजीता जी सरकार के दावे, सरकार के वादे बेटियों की सुरक्षा को लेकर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जब पंचकुला और मोरनी और कालका जहाँ जो कि विकसित जगह कहलाई जाती है और वहां पर अगर ऐसा हादसा होता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हरियाणा की नहीं हो सकती। और उससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस लड़की को अपना केस दर्ज कराने के लिए जगह जगह धक्के खाने पड़े। उसको ये कहा गया कि आप चंडीगढ़ की रहने वाली है तो आप चंडीगढ़ में जाकर कंप्लेंट कीजिए। और एक युवती जो 22 वर्षीय है और 40 लोग उसके साथ ऐसा करते हैं, उसके बाद उसकी हालत क्या होगी, आप इस बात से परहेज हम नहीं कर सकते। पर उसके बावजूद अगर पुलिस का ये रवैया रहता है, महिला थाने में ये रवैया रहता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। रेप के जो आंकड़े हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अगर पिछले साल का आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो भारत देश में 1 लाख से भी ज्यादा महिलाओं की तस्वीर बहुत भयानक हो गई है रंजीता जी, खासतौर से बेटियों की सुरक्षा को लेकर। हरियाणा का अभी तक का शायद ये सबसे बड़ा मामला है इस तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। शशि किरण।